गति करत भयो भूल, कब देखो मेरी ओ, कब देखो मे, कब देखो मे, कब देखो मे। विनती सुन ली हमारी, कब देखोगे? बोले अब क्यों ऐसा कह रहे हो, मैंने तो बाहर से भीतर बुला लिया है, निकट सानिध्य में बिठा के श्रवण करा रहा हूँ और श्रवण कर रहा हूँ, इससे और ज़्यादा कृपा क्या हो सकती है। श्री कृष्ण शरणम् मम। बिल्कुल निकट बिठा के क्यों सुनवा रहे हैं? आपको जैसा स्वरूप है वैसी कृपा है सबका कल्याण करने की। जीव के सच्चे हितैषी ठाकुर जी, दूसरा कोई नहीं है। तीसरा श्लोक मैंने कल निवेदन किया था, ये श्लोक विष से प्रारंभ होगा। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, परश मारुता वैद्युतानला, प्रेषमयात्मजा विश्वतो भया इस श्लोक के पूर्व दो कारिकाएं महापुरुष जी कृपा करके प्रकट किए हैं। देखिए बहुत मधुर भाव, अंतः स्थितो रसः पुष्टो बहिश्चेन विनिर्गतः तदा पूर्णो नैव भावे, तदा पूर्णो नैव भवे दित्तिद्वाग निर्गमस्तथा। भगवत कृपा से अंतःकरण में रहा हुआ जो रस है जब पुष्ट हो जाता है तो उसको बाहर निकलना ही चाहिए, बाहर न निकले तो पूर्ण नहीं होता है। ये दूध पूरा उबल गया, इसकी पहचान क्या है? ऊपर को आया समझो हो गया, तब क्या ऊपर आता है, उससे पहले पूर्ण उबाल नहीं आया, उसमें भी कच्चा है। तो गोपियों के भीतर का भाव जो पूर्ण पुष्ट हो गया है वाणी द्वारा जब बाहर प्रकट हुआ तभी पूर्ण हुआ है। हृदय में यदि भाव पुष्ट कर दें ठाकुर जी तो वाणी के द्वारा गुणगान के द्वारा उसको बाहर प्रकट करना चाहिए। इसमें भगवान को भी सुख है और भक्त को भी सुख है, इसलिए कीर्तन गाया जाता है। जैसे दर्शन श्रृंगार ऋतु उत्सव, तो दर्शन करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं हृदय में, और वैसे ही भाव की कीर्तन का गान हो रहा हो तो आनंद और बढ़ जाता है, उस लीला में ही चित्त प्रविष्ट हो जाता है और तब रस निष्पत्ति होती है। हमारे मितेश भाई इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, वर्षों से लाल लड़ा रहे हैं ठाकुर जी, और अब तो माला भी तैयार हो गया, और कल तो बाबा श्री ने जो कीर्तन गाया बस भूल गए कि हम कहां बैठे। अन्यथा पुनः कोमलः बहुधा त्वया रक्षिताः इदानीमपि पालयत्याहु विष जलाप्यति। ये हृदय में जो अनुभव हुआ है आनंद का वो प्रकट हो रहा है। अंतः स्थितो रस पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गतः, तब गोपियों ने यह श्लोक गाया। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता
भीष्मतो भया भीष्मदेवयम् रक्षितामो। पूरे श्लोक में जो स्तुति है भगवान के उपकार को स्मरण किया है गोपियों, क्योंकि आप ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। कहां तक गिनती गिनाएं श्याम सुंदर? विष जला प्यार, कालिया के विषयुक्त जल को पी लिया था गायों ने, गोपों ने उनको रक्षा करी। ब्याल राक्षसात, सर्पों से, राक्षसों से, सुदर्शन आदि सर्प से रक्षा की। वर्षमारुतात, जब इंद्र ने प्रकोप किया था, घनघोर वर्षा हुई और बिजली गिराई। वैद्युतानलात, अनल अग्नि, अग्नि की वर्षा, बिजली की वर्षा, तेज वायु आंधी, मारुत भयंकर आंधी, आपने रक्षा की। और ब्रशमयात्मजात, ब्रश माने बैल, ब्रशवासुर, मयात्मजात, मय का आत्मज, मय दानव का आत्मज है व्योमासुर। कामवन में गुफा है, व्योमासुर ने हरण करके बंद किए ना, वो गुफा है। तो मय का आत्मज व्योमासुर आया, आपने उससे रक्षा करी। विश्वतो भया, सर्व प्रकार के भय से, हे ऋषभ ते आपने, वयम हम सबकी रक्षिता मुहु, मुहुर मुहुर रक्षिता, कहां तक गिनती गिनाए, बार बार रक्षा की। अब देखिए यहां एक बात विचार करिए, अभी राज पंचायत की कथा में गोपियां गोपी गीत गा रही हैं और व्योमासुर तो आया ही नहीं है, अभी व्योमासुर आया ही नहीं, तो कथा युगल गीत के बाद आएगी, आया ही नहीं है। और गोपी कह रही है आपने रक्षा करी, तो आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जो लीला हुई नहीं है उसका गान कैसे कर दिया कि गोपियां इस समय कृष्ण भाव भावित होकर निमग्न हो गई हैं, जो लीला हो चुकी है याद आ रही है उनको गा रही है, और जो होने वाली है वो भी स्फुरित हो रही है, उनका भी गान कर, त्रिकालज हो गई है। जय हो, हे ऋषभ आपने बिना प्रार्थना के हमारी रक्षा की। तो ये श्लोक हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, भगवान के उपकारों को याद करते रहना चाहिए। विष जलम कालीय हृद जलम तत् पीत्वा सर्व एव बालकाः गावश्य मृताः, गायों ने पी लिया, गोपों ने पी लिया, मृत हो गए, ते पुनर्जीविताः, आपने कृपा दृष्टि से उनको पुनर्जीवित किया। ब्यालाः सर्पाः कालीय सुदर्शनादयः राक्षसाः तृणावर्तादयः तेषामेक वदभावः तस्मादपि रक्षिताः, कैसे कैसे राक्षस आए, सबसे आपने हमारी रक्षा की। वर्षमारुतादि इंद्रकृतात्, इंद्र ने प्रकोप किया था, तत्रैव वैद्युतानि अनलो दावाग्निश्च तयोरप्येक वदभावः ब्रशो योयं मयात्मज व्योमासुर तस्मादपि रक्षिताः, कहां तक गिनती गिनाए श्याम सुंदर आपने हर संगत। देखो हम अमेरिका में थे और उस समय हमारे पूज्य चरण भी विराज रहे थे, तो एक एक घर में भारतीय थे हमारा उतरना हुआ, तो उनका बच्चा मेरे पास आया, बोले माताजी कहती हैं ठाकुर जी विराजे हैं और सुबह आप विद्यालय जाओ उससे पहले दंडवत किया करो और 3 बार अष्टाक्षर मंत्र बोल के तब जाया करो, ये माता जी कहती हैं। तो मुझसे पूछा शास्त्री जी मैं विद्यालय जाने से पहले दंडवत करूं और 3 बार अष्टाक्षर बोलूं ये आवश्यक है क्या, ऐसा प्रश्न जरूरी है? तो मुझे थोड़ी सी खींच आ गई, मैंने कहा अमेरिका में तो जरा सा कोई किसी को सहयोग कर दे ना उसको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू, जरा कुछ काम आ जाए। मैंने कि आप माताजी के कहने से, ये ठाकुर जी हैं हमारे स्वामी हैं, इस भाव से नहीं, केवल धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी दंडवत नहीं कर सकते,
ये शरीर किसने दिया? जन्म से विकलांग होते, कोई अंग भंग होता, बुद्धिहीन होते, क्या कर लेते? हम निमित्त हैं, प्रभु की कृपा कहां तक गाई जाए? बात कम से कम धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम दंडवत करें, तीन बार अष्टाक्षर बोलें, इसके लिए भी पूछा जा रहा है कि आवश्यक है? इतने कृतज्ञ हो गए हम लोग, ये नहीं किया, ये नहीं किया, अरे जो किया है उसको तो याद करो। एक भिखारी भीख मांग रहा था, भिखारी के घर पैदा हुआ, जन्म से भूखा पैदा हुआ, कुछ नहीं दिया भगवान ने मुझे, मेरा क्या अपराध जो भिखारी क्या पैदा कर दिया? तो जिससे भीख मांग रहा था उसने कहा 50,000 देता हूं, एक हाथ मुझे दे दे, ढूंढा हो जाऊंगा। 1,00,000 देता हूं, दोनों हाथ दे दे, तो मैं काम कैसे करूंगा? 2,00,000 देता हूं, हाथ भी दे दे, आंख भी दे दे, अरे अंधा हो जाऊंगा। अच्छा 10,00,000 देता हूं, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें दे दे। बोले तू जा भैया यहां से, मुझे कुछ नहीं दे। लाखों के अंग लिए घूम रहा है और कह रहा है भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्यों उनका सदुपयोग नहीं करता है? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधार रहे हैं, रथ में विराजमान होने वाले हैं, कुंता जी स्तुति कर रही हैं और क्या कह रही हैं, कहां तक गिनती गिनाएं श्याम सुंदर, हर संकट में आपने हमें बचाया। वो श्लोक भी विष से प्रारंभ हुआ है और गोपियां यहां भगवान का आभार ज्ञापित कर रही हैं, ये श्लोक भी विष से प्रारंभ, बहुत सुंदर श्लोक है, सारे उपकार गिना रही हैं कुंती। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् दश सभाया वनवास कृत मृधे मृधे नीक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरेभिरच। कहां तक गिनती कर, पांडवों को जहर से बचाया, दावनल है अग्नि भवन में लगा दी, भवन रक्षा भवन में तब बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, युद्ध में बड़े बड़े महारथियों से बचाया, अस्त्र शस्त्रों से बचाया, और चलते चलते उत्तरा के गर्भ में विराजमान जो बालक है, वंशज, वंश का अंतिम, उसको भी रक्षा की। द्रोणस्त तस्यास्म हरे वीरस्त, प्रभु के उपकार को याद करना चाहिए। क्या क्या उपकार किया? हर संकट में बचाया। देखो इंद्र का प्रकोप, वैद्युता नलाद, 5 वर्षा हुई हैं, उपल वर्त, अग्नि वर्त, जल वर्त, विद्युत वर्त, सब वर्षे प्रलयकालीन वर्षा करी है ना। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, बहुत सुंदर महाप्रभु जी ने एक बात कही है कि भगवान ने और तरह से रक्षा न करके गिरिराज जी को हस्तमयी धारण करके क्यों रक्षा करी? तो आचार्य इंद्र भगवान का सखा है कि कैसे कि विराट रूप में भगवान का जो हस्त है वो इंद्र है। विराट रूप में भगवान का हस्त कौन है? इंद्र। ये हस्त रूप इंद्र कौन है? आदि दैविक। और जो वृष्टि कर रहा है वो इंद्र कौन सा है? आदि भौतिक। तो आदि दैविक इंद्र के द्वारा भौतिक इंद्र को ज्ञान करा रहे हैं आध्यात्मिक इंद्र को कि अरे तू प्रकोप कर रहा है और मैं इनके अंग में ही विराजमान हूं। तो हस्त में जो इंद्र है उस हस्त में गिरिराज जी को धारण करके जो आदि आध्यात्मिक इंद्र है उसको बोध कराया, स्वरूप का ज्ञान दिया, इसलिए हस्त में गिरिराज धारण कर। और भी कोई लीला के द्वारा प्रभु ब्रजवासियों की रक्षा कर सकते हैं क्योंकि भगवान एक लीला में अनेक कार्य संपन्न करते हैं। जब ब्रजवासी शरण आए, जानते हैं कि इंद्र का प्रकोप है ये, लेकिन इंद्र को शांत करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं किया, भगवान की शरण आए। ये बड़ी विचारणीय विषय है हमारा, जान रहे हैं, ये नहीं किया उसको भी शांत कर लो, ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि राजी की भी पूजा कर दी। तब भगवान को ये कहना पड़ा, तस्मान मक्षरण गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रह गोपाये स्वात्म योगेन सोयं मे व्रत आ।
मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना। अब मैं अपने संकल्प को, व्रत को पूरा करने का सोधनी में महाप्रभु इसका रहस्य भाव खोले कि क्या करें, इंद्र को दंड दे दें, प्रकोप कर रहा है दंड दे दें, तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। भगवान ने सोचा इतना बड़ा अपराध नहीं है जो उसको इतना दंड दिया है, ये इंद्र का दोष थोड़े ही है, तो ये तो इंद्र के पद का दोष है, उस पद पे जो बैठता है उसको अभिमान हो ही जाता है। अरे छोड़ क्या दयालु ठाकुर जी, ये इंद्र का दोष नहीं है, तो उस पद का दोष है, उस पर बैठने के बाद अभिमान आ ही जाता है। तो क्या करना चाहिए, मेघों को रोक दे, मेघ यदि रोक देंगे तो इंद्र मेघों पर प्रकोप करेगा और वृष्टि नहीं होगी तो प्रजा को बहुत कष्ट होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो क्या करें, ब्रजवासियों को कहीं सुरक्षित ले जाएं तो इंद्र वहां भी आएगा, वृष्टि करेगा, तब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने निश्चय किया अब मुझे गोवर्धन को धारण ही करना चाहिए। योग माया, क्या योग माया का आश्रय लिया, नहीं, वो तो सेवा के लिए तैयार खड़ी रहती है। योग माया को आज्ञा दी सेवा करनी है, मैं गिरिराज जी उठाऊंगा और शिलाखंड बिखर जाएंगे, तू सबको एक सूत्र से बांध देना, एक एक शिलाखंड बिखरे नहीं, ये तेरी बात, ये तेरी सेवा, साध है योग माया। और गिरिराज जी को अब देखिए भगवान ने कितना विचार किया है कि अगर प्रकोप में ये गाय ब्रजवासी समाप्त हो जाए तो इनको मुक्ति दे दे, प्रकोप हो रहा है मृत्यु होगी, तो मुक्ति दे दे तो क्या बुराई है। तो कहा ठाकुर जी ने, इदानीं तो मुक्ति ही भक्ति मार्ग विरोधिनी, ये मेरी शरण में मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, ये मेरे शरणागत भक्ति के लिए आए, मैं मुक्ति नहीं दे सकता। तदा मन्नाथ मिति, मैं इनका नाथ हूं, अहमेव नाथ स्वामी, यस्या स्वामी सेवक भाव नासकत्वा। तो बोले कुछ शिक्षा दें इनको, उपदेश कहें, बोलिए गाय ये उपदेश समझेंगी। तो क्या करना चाहिए, भगवान ने विचार किया, इन्होंने मेरे चरणों में समर्पण किया है आत्मनिवेदन। सुनिए, हम लोगों ने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली है, इसका क्या भाव ठाकुर जी खोले हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व मेरे चरणों में निवेदन किया है, अगर इनका शरीर समाप्त हो गया और आत्मा की मुक्ति हो गई तो ये इनके प्रति अन्याय होगा, क्योंकि आत्मा का निवेदन नहीं किया, इन्होंने शरीर, शरीर की इंद्रियां और देह संबंधी सबको समर्पित किया है, तो ये सब कुछ मुझे अर्पित किए हैं, इसलिए यद्ये को प्यंशो गच्छेत, इनके शरीर की कोई इंद्रिय का अंग अथवा इनके शरीर से संबंधी स्त्री पुत्र पति गाय आदि कोई भी एक अंग समाप्त हो गया तो शरणागति कलंकित हो जाए, शरणागति न भवती, तदा प्रतिज्ञा विरोध स्यात्, मेरी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि मैं गदा धारण करके इन सब की सब प्रकार से रक्षा करूंगा, ये निश्चित किया और होगा। तो हमने जो आत्मनिवेदन रोज तुलसी दल लेके कहते हैं, ये भी आपका, ये भी आपका, और भगवान को उनको संहार की चिंता हो जाती है कि अब मेरे हैं, इनकी रक्षा करना, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प, तो ऐसे आपने रक्षा करिए। वर्ष मार उतार वैद्युतान, कहां तक गिनती कराए, बोलो वल्लभाधीश की जय। अरे जय तो बढ़िया बोलो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने गिरिराज जी को हाथ से पकड़ा है कि धारण किया है, और ऐसे कि कनिष्ठ का उंगली पे, कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज जी गिरे नहीं गिरे। अच्छा, तो वल्लभाधीश ने तो हमारा हाथ हाथ में सौंपा है, जो कस के कलाई पकड़ी है, जब नख का स्पर्श हुआ तो गिरिराज जी नहीं गिरे, तो महाराज जिसकी कसके कलाई पकड़ ली हो ठाकुर जी ने, उसको गिरने का भय है, पतित हो सकता है, तथो निश्चिंत तांग भ्रजेत, कह दिया भाव हो जाओ निश्चिंत। और इतना और कहलवा दिया, ठाकुर जी बोले या को दोष देख के आप छोड़ दोगे, मैं ना छोड़ूंगा। अब कैसे विश्वास हो, महाराज जीव है। तो एक घटना घटवा दी, रामानंद जी पत्नी सो बोले गोबर ले जा, वैष्णव आएंगे गोबर ले जाएंगे। अरे ये वैष्णव होके गोबर नहीं दे सके घर में गाय को, अरे मैंने इसका त्याग किया, जो वैष्णव सेवा में गोबर नहीं दे, त्याग किया, जय श्री कृष्ण बंद कर दी सबने। अब है तो वैष्णव, जलेबी सिद्ध हो रही आज भी हो जतिपुरा में, ध्वजा जी को भोग धरी, बाबा रोगो वल्लभाधीश राजभोग सराबे पधारे, आचमन करा रहे हैं श्रीनाथ जी को, क्या देखा, एक हाथ में जलेबी दूसरी मुख में दबी जलेबी, बाबा
आज सामग्री में जलेबी तो सिद्ध भई ना है, आप कहाँ रोगे हो? वो आपको सेवक है ना रामानंद बाने भोग धरी आपकी कहानी से, आपकी कहानी से। हमने तो वहां को त्याग किया है, तो श्रीनाथ जी जलेबी और रोकते क्या बोले? आपने त्याग किया है, हमने त्याग थोड़ी किया, हमने तो वचन दिया है जिसको आप त्याग दोगे, एक बार मुझे अंगीकार करा दोगे मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। पर्वत धारणे योग माया कारणत्वम एतेषां सर्वथा रक्षायाम स्वात्म योग एव। हर तरह से इनकी रक्षा करनी है, ये मेरा दायित्व भगवान कह रहे। तो अब कैसे रक्षा? कि गिरिराज जी को धारण करके तो रक्षा हो जाएगी, अब 7 दिन रात इनको भूख लगेगी प्यास लगेगी उसके लिए क्या? ओहो, इतनी भी चिंता कर रहे हैं ठाकुर जी, तब क्या होगा है? तो महावीर जी आज्ञा कर रहे हैं, यथा वायु निरोधे इंद्रियाणि सर्वे उपद्रव रहितानि भवन्ति। जैसे योग क्रिया में योगी प्राण वायु को अंदर रोक लेता है और अंदर की सर्व इंद्रियां वश में कर लेता है, सर्व इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, वैसे ही मैं इन समस्त ब्रजवासियों में विराजमान होकर, जितने गोपी ग्वाल गाय आदि हैं सब में उतने ही रूप धर के मैं विराजमान हो जाऊंगा, और मैंने जो इनकी अनुकूल सामग्री अरोगी, मैं जो तृप्त हुआ हूं, जब मैं तृप्त हुआ इनके अंदर विराज जाऊंगा तो 7 दिन इनको भी भूख प्यास की बाधा नहीं होगी। तथैव तेषव महात्मानम स्थापिष्यामि, मैं अपने आप को इनके अंदर स्थापित कर दूंगा, अपने आप को। ततो मयि स्थिता मभ्यंतर स्थिता पूर्वे भुक्तान भोजनो भूत्वा सुखिना भवन्ति। जो मैंने इनके द्वारा अर्पी गई सामग्री अन्नकूट की अरोगी है, मैं जैसे सुखी हुआ हूँ, मैं इनके अंदर विराजमान होकर इनको वो भूख प्याज क्षुधा से मुक्त करके सुख प्रदान करूँ। अभ्यंतर स्थिता है, मैं इनके भीतर विराजमान हो जाऊंगा। पूर्व भुक्तान, पहले जिन्होंने भोग धराया है, भोजिनो भूत्वा सुखिता भवन्ति। यह है पुष्टि प्रभु की लीला। तो जैसे रास में ठाकुर जी गोपियों में विराजे, अपने आप को पधरा दिया तब रास रस झेल पाई है, इसलिए इसको आत्मरमण लीला कहा जाता है। रास में प्रभु विराजे, कल हमने कहा था ना, रासस्तु रस उत्कृष्टम, ये रस कैसा रस है? उत्कृष्ट। कृष्णम भुंगते न चान्यथा, इसको कृष्ण ही झेल सकते हैं, दूसरा नहीं। सिंगनी का दूध कौन झेलता है बोलो? या तो सिंगनी का बालक अथवा सोने का पात्र, तीसरे की सामर्थ्य नहीं है। तो ये रस कृष्ण ही झेल सकते हैं। तो भगवान जब रस को दिए तो झेलने के लिए पहले भीतर विराजमान हुए, खुद ही पात्र बन के विराजे और खुद रस को झेल लिए। कृष्णं भुंगते न चान्यथा, ऐसी कृपा भगवान ने की है, इसलिए गोपियां कह रही हैं कहां तक गिनती गिनाएं हे श्याम सुंदर, हर तरह से आपने रक्षा की और एक बार नहीं, मुहुर मुहुर रक्षिता। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा तो वाचिक निरोध, मानसिक निरोध और शारीरिक निरोध, पहले 3 निरोध सिद्ध किए, उसके बाद रह गई पंच पर्व अविद्या, उसको असुरों का संहार करके दूर किया। देहाध्यास धनु के द्वारा, इंद्रियाध्यास कालिया नागनाथ के, अंतःकरणाध्यास ब्रह्मासुर का उद्धार कर, स्वरूप स्मृति अग्निपान करके आ गया। एक अर्थ और है, व्योमासुर को मारा, व्योम माने आकाश। एक लीला में कितनी लीला करें ठाकुर जी, ब्रजमंडल में 5 तत्व चिन्मय हैं और लीला के द्वारा चिन्मय स्वरूप समझा दिया। पहला तत्व क्या? क्षिति पृथ्वी है, कैसे चिन्मय किया? मृतिका भक्षण करके, बोलो जय श्री कृष्ण। जल कालिया नागनाथ के, यमुना जल के बहाने, पावक अग्निपान करके, और
और वायु, वायु तृणावर्त आया था आंधी के रूप में उसका उद्धार करके, और आकाश व्योमासुर का उद्धार करके, वल्लभाधीश की पांचों दोष। इसलिए ब्रज के पांचों तत्व चिन्मय हैं। हम पंचतत्व शरीर वाले जब ब्रज में प्रवेश करते हैं भगवत कृपा से, तो हमारे पंचतत्व भी चिन्मय अलौकिक हो जाते हैं। इसलिए अपरस नहीं छुआए ब्रज में, क्या वो देह चिन्मय सब अलौकिक। पुराने वैष्णवों से सुनी, ब्रज यात्रा यदि डींग में पड़ाव करती, डींग ब्रज में नहीं था, तो अपरस छू जाती, सबरे बासन तपाए जाते, तो सीधे ही पड़ाव वहाँ होता। डींग वाले महाराज ने जब विनती की कि यहाँ पड़ाव हो, ये पीछे शुरू हुआ, वहाँ से सीधे निकल जाते, चौरासी कोस में नहीं आवे। ऐसा पुराने वैष्णव बता, ब्रज सीमा, ब्रज की मर्यादा महाराज, बिना भगवत आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए पूतना ऊपर से आई आकाश मार्ग से, चल के क्यों नहीं गई? महाप्रभु जी बोले, भूमि पे पैर रखना ब्रजमंडल में ये कृष्ण कृपा बिना संभव ही नहीं। खेचरी आकाश मार्ग से गई, तो बोले नीचे पैर नहीं धर सकती, तो ऊपर से तो आई, गई तो ब्रज में, ऊपर से क्यों आई? तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की इच्छा है, वो ठाकुर जी की इच्छा है, अपनी इच्छा से नहीं जा सकती। भगवान ने बुलाया, उद्धार कर रहा है इसका, वल्लभाधीश की। तो अभी चर्चा आई कि भगवान ने नख से स्पर्श किया और गिरिराज जी नहीं गिरे, हमारी तो कलाई पकड़ी है श्रीनाथ जी ने। जाओ आ जाओ, जो आ गए उनकी कलाई, और जो अंगूठा दिखा रहे हैं, जो नहीं आए ना भटको भटको। मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, द्वार केश प्रभु यह विधि क्रीड़त, कुंज द्वार मन लाई। और महाराज ये पुष्टि मार्ग है, ये कृपा का मार्ग है, यहाँ की क्या बातें बताएं। बालक हुआ 12 साल में, दंपति को बेटा हुआ 12 साल में, तो सबका लाडला। अब माता उसको चलना सिखा रही है, हाथ पकड़ के बालक को चला रही है, हाथ छोड़ती है, वो डगमगा के माता की गोद में गिर जाता है, फिर उठा लेती है, संतुलन बना रही है। अब पिताजी ने देखा कि चलना सिखा रही है, अगर ये बालक माता की गोद में गिरा तो ठीक है, संभाल लेगी, कहीं पीछे गिर गया तो क्या होगा? अरे हमारा लाडला इकलौता बेटा है। सो पिताजी ने क्या किया, पीछे पीछे यूं आगे हाथ पकड़ के माता चला रही है, और पीछे कौन चल रहे हैं? पिताजी। अब सोफा पे बैठी हैं दादी जी, वेदांती, वेदांती माने उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है, दांत नहीं है ना उनके, 85 साल की हो गई, वो उठ के आई, और दादी विचार कर रही हैं कि दाई ओर गिर गया तो। सो जो हाथ, अब दादाजी बैठे थे, दादाजी ने देखा आगे गिरेगा बहू संवारेगी, पीछे गिरेगा बेटा संवारेगा, दाई गिरेगी मेरी पत्नी संवारेगी, और बाई गिर गया तो मैं संवारूंगा। चारों दिशा में चार लगे हैं और बालक को चलना सिखा रही हैं, बताओ ये गिर सकता है? अब इसको भय है गिरने का? तो यमुना जी के 41 पदों में आता है, एक ही समर्थ हैं, वो कृपा करें तो जीव का पतन नहीं हो सकता, लेकिन चारों में होड़ लगी है, कौन? यमुने प्राणपति, प्राण और प्राण सुत चहु जने जीव पे दया विचारी, चारों में होड़ लगी है। आगे गिरह को यमुना जी बोली मैं संभारूंगी, ठाकुर जी बोले पीछे गिर गए मैं संभारूंगो, यमुने प्राणपति प्राण, ठाकुर जी के प्राण कौन है? वल्लभ। दाई ओर खड़े हो गए, दाई ओर गिर गए मैं संभारूंगो, प्राण सुत विठलनाथ जी बाई ओर खड़े हो गए, आगे गिरेगो यमुना जी बोली मैं संभारूंगी, पीछे गिरेगो ठाकुर जी बोले मैं संभारूंगो, दाई ओर गिरेगो वल्लभाधीश बोले हम संभारेंगे, बाई ओर गिरेगो विठलेश बोले हम संभारेंगे। अब भी इसको क्यों भय है महाराज, ये क्यों विमुख हो जाता है, क्यों भगवान से दूर हो जाता है? क्योंकि ठाकुर जी का आश्रय विश्वास छोड़ के संसार में चला गया। चहु जने जीव पे दया विचार, वल्लभाधीश की। तो ऐसे रक्षा करने वाले, बार बार रक्षा करने वाले, और हम प्रभु पर अविश्वास लाते हैं, भगवान का आश्रय हमारा डगमगाने लग जाता है कठिन समय आते ही। गोपियां मानो हमको इस श्लोक के द्वारा प्रेरणा दे रही है, शिक्षा दे रही है, निश्चिंत हो जाओ।
शिवल्लभाधीश की। टीकाकारों के अपने अपने भाव है। किसी ने कहा अरिष्ट दृष्टवासुर आया, धर्म का रूप माना गया है बैल को, तो वो यदि मार देता तो कहा जाता कि धर्म की रक्षा में समर्पित हो गई, चल जाता। व्योमासुर, व्योम योग का प्रतीक है, कहते कि योग समाधि में ऐसा हो गया, लेकिन प्रभु हम कहां तक गिनती गिना है, हर संकट में आपने हमारे बार बार रक्षा की है। तो भाव ये है जैसे पहले रक्षा की है, सदा आप रक्षा ही करोगे। जीवन की रक्षा होगी तो आपकी सेवा होगी, और आपकी सेवा में ही हमारा सर्वस्व है, आपके सुख में ही हमारा सुख है। अब जो चौथा श्लोक है, इसकी भूमिका में आभास में श्री वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं। अन्याः पुनः भगवतो महानुभावत्वं ज्ञात्वा तस्य स्वरूपं कीर्तयन्ति ततस्य ज्ञानिभ्यो यथा मोक्षं प्रयच्छति तथा अस्मभ्यमपि अस्मदुचितं मोक्षं दास्यति इति तं स्तुवन्ति न खलु गोपिका नन्दनो भवा। ये चौथा श्लोक गाने वाली गोपियां गुणातीत भाव वाली हैं, निर्गुण भाव वाली। क्यों? महात्म जानकर स्वरूप का गान कर रही हैं। भगवान जैसे ज्ञानियों को मोक्ष देते हैं, उनको ज्ञान है, वैसे ही हमारे योग्य मोक्ष अर्थात पुष्टि फल प्रदान करेंगे, निश्चित करेंगे। उनको स्वरूप ज्ञान है ठाकुर जी का, और उन्होंने स्तुति में चौथा श्लोक गाया है, न खलु गोपिका आनंद। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो पहला श्लोक का भाव आपने सुना, द्वितीय श्लोक का श्रवण किया, तृतीय श्लोक का श्रवण किया, तीसरे श्लोक में तो कैसा भी समय आ जाए तीन चीजों का त्याग मत करिए, विवेक धैर्य। और देखो धैर्य को बीच में रखा है, इधर से विवेक संभाल रहा है, उधर से आश्रय संभाल रहा है, तब ठहर पाता है। विवेक नहीं छूटता, आश्रय भी नहीं छूटता, लेकिन धैर्य डगमगाने लगता है। अच्छे अच्छे लोगों को संभालिए इसको। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। हमने तो आपके चरणों की शरण ग्रहण की है, हम कुछ नहीं जानते। चरण शरण ब्रजराज कुंवर, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अवधि कछु नहीं समुझत, हम विधि अवधि कछु नहीं समझत, हम विधि अवधि कछु नहीं समझत, हम विधि अवधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे गिरवर जय कुमार। चरण शरण चौथा श्लोक गाने वाली गोपियाँ, ये कौन सा यूथ है,
निर्गुण भाव वाला युद्ध है, गुणातीत गोपियों का। कोई उपालंब नहीं, कोई शिकायत नहीं, सहज भाव से गाया। हे सखे भवान न खलु गोपिका नंदन, आप निश्चय ही केवल यशोदा नंदन नहीं है, महात्म ज्ञान है। भवान कौन है आप? अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रक, समस्त देहधारियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो, अंतर्यामी हो। बिखन, बिखन वेदों का जो खनन करते रहते हैं, खनन माने खोदना, खदान खोदते हैं उसको खनन करता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बस खनन करते, अर्थ निकालते रहते। आज भी नए नए अर्थ सूझते हैं ब्रह्मा को, तो श्रुतियों का अर्थ कौन कर सकता है? सुंदर गोपालम उरा